और आज का जो टॉपिक है बलात्कार मुक्त समाज, इसके लिए जो समाज शब्द है, समाज शब्द के बारे में मिशेल ओबामा का एक कथन है कि किसी समाज का आकलन इस बात से लगाया जाता है कि उसमें महिलाओं और लड़कियों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। तो उसमें आज हम ऐसे समाज का हिस्सा है जहाँ पर महिलाओं और लड़कियों को केवल काम करने की मशीन के अलावा और कुछ नहीं समझा जाता। तो हमें उस सोच से ऊपर उठना होगा और उन्हें अपनी बराबरी तक लाना होगा। कई पुरुषों को देखा है कि महिलाओं को बराबरी तक आता नहीं, उन्हें पता अलग टाइप की जलन सी होती है, चिड़ लगती है। ये सरासर गलत बात है। और अपराधियों को न्याय देने के अलावा एक अन्य पक्षों को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अपराधियों को न्याय देना ये समस्या का संपूर्णतः समाधान नहीं है। उन्हें केवल इसके बारे में जागरूक करना है, साथ ही साथ इसके अन्य पक्षों को भी देखना, जैसे किसी ने पॉर्नोग्राफी को बताया था, और एजुकेशन को भी ध्यान में रखना होगा। कई लोगों ने हैदराबाद एनकाउंटर को काफी सराहना की थी कि ये कदम अच्छा है अपराधियों को सजा देने के लिए। हाल में ये कदम तत्कालीन घटना को देखकर सही था, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं दे सकता, क्योंकि इससे एक और घटना को जन्म मिलता है और अपराध को बढ़ावा मिलता है। और ऐसे में कई लोगों को देखा है जो अपनी वासनाओं के बसीभूत और नीच मनोवृत्तियों को रखते हैं, वो केवल इसके डर से ऐसी चीज को कम नहीं करेंगे। तो फांसी देने के अलावा हमें उनको एक परिपक्व समाज में जीने का एक अधिकार और वो तक छीन लेना चाहिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति जुर्म करता है तो उसके अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि इस प्रवृत्ति में वो जाता है अपराध करने के लिए तो पता नहीं वो इंसान तो नहीं रहता होगा, उसकी इंसानियत हमेशा खो जाती होगी। और साथ ही साथ मैं अपनी चाल लाने और रखता हूँ नारे के ऊपर कि दुनिया ने समझा है लेकिन तुम कमजोर नहीं, दुनिया ने समझा है लेकिन तुम कमजोर नहीं, नारी तुम तीव्र चमक तलवार की धार हो, नारी तुम तीव्र चमक तलवार की धार हो, नारी तुम अंगार नहीं तुम पवित्र गंगा की धार हो। थैंक यू।